अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रशेखर जी ने अपने कार्यालय में बुला करके उस पर विस्तृत चर्चा की। एक बार तो उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्वाचन का कार्य है, इसे आप लोग कोई भी ड्यूटी मिले, ये एक महापर्व है, इसको कर लेना चाहिए। तो हमने कहा सर अब हम लोगों के पास। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। आप सभी को पता होगा कि आचार संहिता लगने के बाद से आप सभी की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, जिसको लेकर अभी भी संगठन पूरे प्रयास में है। आप सभी की समस्याओं को देखते हुए आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बहुत ही बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जनपदों में गोंडा, बलरामपुर और चित्रकूट में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने शिक्षा मित्रों को द्वितीय मतदान अधिकारी की जगह तृतीय मतदान अधिकारी के पर कार्य करने के लिए आदेशित किया है। तो उन्होंने तुरंत अपने साथ में बैठे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रशेखर जी को निर्देशित किया कि आप इस समस्या को तत्काल इसका निराकरण करिए। उसके बाद माननीय अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रशेखर जी ने अपने कार्यालय में बुला करके उस पर विस्तृत चर्चा की। एक बार तो उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्वाचन का कार्य है, इसे आप लोग कोई भी ड्यूटी मिले, ये एक महापर्व है, इसको कर लेना चाहिए। तो हमने कहा सर अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, केवल एक ही चीज़ बची है, आत्मसम्मान। अब कहिए तो उसको भी खो दें निर्वाचन में ड्यूटी करने के लिए। तो थोड़ा सा मुस्कुराए भी और कहे कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, हालांकि मेरा ही आदेश है